एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, पहला एपिसोड आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है और आज तीसरा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और तीसरे एपिसोड में भी मैं कटिहार का टॉपेस्ट पंडाल को रखने वाला हूं। और जब आप देखेंगे, तीन वीडियो इसमें आने वाला है और तीनों जबरदस्त पंडाल है। तो इस बीच आप किससे बात कर लेते हैं, और सामने में इंस्टाग्राम की आईडी होगी, वहां जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं अगर बात कर लूं कि पंडाल भव्य तरीके से सजा कर रख दिया गया, और सामने में आपको दिल्ली का फेमस लाल किला दिखा गया, और सामने ऊपर अपना नेशनल फ्लैग क्या लहराता हुआ लग रहा है। और जब मैं इसका वीडियो बनाया था तो पूरा यह सादा था, लग नहीं रहा होगा आप लोगों को कि यह लाल किला होगा, लेकिन अब बिल्कुल ये लाल किला की तरह सज कर तैयार हो गया। और भैया लोग यहाँ सेल्फी उल्फी ले रहे हैं, देखिए किस तरीके से। और प्रवेश उधर से है और एग्जिट इधर से है, तो हम लोग उस साइड से चलेंगे और इस साइड से निकलेंगे। तो इसके अंदर में क्या होने वाला है उसको अभी हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। मैं बात कर लूँ कि आप आते हैं लाल किला देखने, तो आपको सामने फाउंटेन दिखेगा जो कि लाल किला को खूबसूरत को और भी बढ़ा देने वाला है। दोस्तों, अभी समय हो चुका है अंदर जाने का और आपको दिखाने का कि इसके अंदर में क्या बना हुआ है। और सामने से तो आप देख सकते हैं क्या इंटीरियर के साथ, लाजवाब के साथ यह लाल किला, अपना दिल्ली का लाल किला चमक रहा है। और इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि प्रतिमा का भी दर्शन कराएंगे। तो मैं बात कर लूँ, यह दौलत राम चौक पूजा समिति है, स्थान पटेल चौक है। अगर आप आते हैं तो स्टेशन से आपको महज 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा और आराम से अंदर आ सकेंगे। अभी अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका साज सज्जा कैसा किया गया है। चलिए शॉर्ट्स का इंतजार करते हैं। बात कर लूँ कि ये सारे सब्सक्राइबर छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं हम लोग के, और सामने में माता रानी का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया गया, क्या ही भव्य तरीके से इसे सजाया गया। और अभी सामने डिटेल से मैं वीडियो रखता हूँ। और जब आप लोग बोलते हैं ना कि कटिहार के बाहर से वीडियो देख रहा हूँ, बहुत इसलिए एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए, जय माता दी। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट पंडाल में। दौलत राम चौक पूजा समिति दिखाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पानी टैंकी चौक लीडर क्लब में, जो कि इस बार अवतार मूवी का थीम पर बना है और जल परी का भी प्रारूप दिया गया। क्या यूनिक पंडाल दिख रहा है आपको सामने से, क्या लग रहा है। और लोग अभी से ही आने लगे हैं, सप्तमी जैसे उद्घाटन हुआ पंडाल का ऐसे लोग आने लगे हैं और इसमें भरपूर अपना फोटो जो है वो कैमरा में कैद कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी सामने से आपको दर्शन दिखाते हैं कि कैसा दिखने वाला है माँ प्रतिमा का स्वरूप। तो कुछ इस तरीके से स्वरूप माँ का दिख रहा है, और देखिए क्या ही भव्य लग रहा है भाई। माँ क्या शेर पे सवार होके आ चुकी है और क्या लुक लग रहा है। और अंदर में आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से सजाया गया है। दुर्गा रघुमुने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज ठाकुर पीठे पड़ल काठी पूजो हुक जम जमाटी नूतन साजे से जेछे आकाश। लीडर क्लब दिखाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बनिया टोला पूजा समिति, जो कि इस बार भी यूनिक पंडाल दी है। और मैं बात करूं कि अब पिछले 73 साल से पूजा पंडालों में काम कर रही है, हर एक वर्ष यूनिक दे रही है, इस बार भी काफी यूनिक रह रहा है। छोटा है पर बड़ा धमाका वाला है इसका पंडाल। तो मैं बात कर लूं कि यह कोलकाता का थीम पर यह पंडाल बनाया गया है, और क्या ही जबरदस्त है, प्रतिमा भी जबरदस्त ही लगेगा। चलिए चलते हैं अंदर बिना देर किए हुए और आपको दिखाते हैं सामने से पंडाल किस तरीके से, और थर्माकोल और चटाई, हाँ चटाई का उपयोग से यह पंडाल का उपयोग किया गया है, और थर्माकोल क्या ही भव्य लग रहा है। तुम्हें
ये रहने वाला है। और एंट्री गेट से जैसे आप आइएगा तो माँ का दर्शन यहाँ सामने आप कर सकते हैं, और सामने करने के बाद इधर आप एग्जिट गेट के थ्रू इधर से आप निकल जाइएगा। तो हम लोग भी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट पंडाल पे। तब तक के लिए मैं बात कर लूँ कि एपिसोड 3 में मैंने 3 पंडाल आपको दिखाया, तीनों कटिहार के टॉपेस्ट पंडाल में से एक पंडाल है। तो जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा पंडाल आपको सबसे बेस्ट लगा। और मैं बात करूँ कि हाँ, इस बार मैं वोटिंग सिस्टम भी लाने वाला हूँ, और आपको आप अपने फ़ोन से वोट कीजिएगा कौन सा पंडाल सबसे बेस्ट रहेगा, और उसको एक ही ब्लॉगर की तरफ से कुछ सरप्राइज दिया जाएगा। तो आपका भाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सामने में बेल आइकन होगा उसको मार के फोड़ दीजिएगा। ध्यान रहे, अपना फोन नहीं फोड़िएगा, नहीं तो वीडियो कौन देखेगा भाई।